सहोदर सहोदरियरे, अच्छे बुरे साथी की पहचान संकट के समय होती है। याद कीजिए, जब भी देश पर संकट आया है तो कांग्रेस जेडीएस के नेताओं ने उस संकट पर भी राजनीति की है। आजकल सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, गोलियां चल रही है, बम फूट रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। हम वहां से एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने में रात दिन जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस पर भी राजनीति की और यहां अनेक परिवारों को भड़काने का प्रयास किया। यूक्रेन संकट हो, कोरोना का वैश्विक संकट हो, इन लोगों ने, कांग्रेस ने, जेडीएस ने निराशा फैलाना, झूठ फैलाना, अपनी राजनीति करना, यही काम इन्होंने किया। लेकिन बीजेपी की मजबूत सरकार इनके हर प्रयासों के बावजूद एक एक हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को संकटों के बीच में से सकुशल सही सलामत भारत लाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये बीजेपी की सरकार है जिसने संकट के समय पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर हर भारतीय को कोरोना के मुफ्त टीके लगाए, मुफ्त वैक्सीन लगाया। ये बीजेपी की सरकार है जो करीब 3 साल से 80 करोड़ से अधिक हमारे देश के नागरिकों को, हमारे भारतीयों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। अगर यहां 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस होती तो इसमें भी गरीब के पेट का अनाज भी खा जाती, लूट खसूट गए बंदर बांट करने में पीछे नहीं रहती।